Hello my dear students, I welcome you in this lecture of polynomial class 10th mathematics. Last lecture में हमने discuss किया था graph of linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial, जिससे related आपके सारे confusion को हमने कर दिया था दूर. अब हमारा पहला topic start होने जा रहा है class 10th chapter polynomial से, that is relation between the zeros and coefficients of a quadratic polynomial. कि किसी भी quadratic polynomial के zeros में जीरोज जो वो वैल्यूज होती हैं जिसको पुट कराने पर वो इक्वेशन जो है वो जीरो बन जाती है. तो उसके जीरोज में और उसके कोफिशियंट में कोई रिलेशन क्या होता है, और अगर होता है तो वो क्या होता है, और अगर वो है भी तो वो आया कैसे, यानी कि विद प्रूफ आज आपको पढ़ाने वाले हैं. और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने में बच्चों को होती है प्रॉब्लम. क्लास 9 में बहुत थोड़े ही क्वेश्चन बच्चे करते हैं, कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आ पाता है. एक मेथड आपको याद होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन करते थे और वहां से उसके जीरोस निकालते थे, तो वो भी आपको सिखाएंगे. उससे पहले कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे. देखिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा जनरल फॉर्म. ये स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ा रहा हूं, जिस स्टेप की जरूरत हमको आगे पड़ेगी उसको मैं पहले पढ़ाऊंगा. तो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जैसा कि हम जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, जहां पर ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है. बिकॉज अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा, यानी कि डिग्री टू वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तब आप उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल ही नहीं सकते. इसलिए ये एक्स वाला टर्म जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कांस्टेंट वाला टर्म जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वाला टर्म कभी जीरो नहीं होना चाहिए. एग्जांपल के लिए कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं और आपको बताऊंगा कि एबीसी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं. बिकॉज जब तक एबीसी की वैल्यू आप फाइंड नहीं करेंगे, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, वेयर बी इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स, एंड सी इज कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि फ्री ऑफ वेरिएबल. तो जब तक इनकी वैल्यू आप सही सही निकालना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको ये रिलेशन सही से फाइंड करना कभी नहीं आएगा. तो मैं एग्जांपल के लिए कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए, जिससे आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएं कि कब कैसा क्वेश्चन आएगा तो कोफिशिएंट कैसे पता लगाएंगे. पहले तो एक जनरल क्वेश्चन ले रहा हूं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. फिर एक सेकेंड क्वेश्चन और ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7. फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x. फिर फोर्थ क्वेश्चन, ओनली एक्स स्क्वायर. फिर फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर 2 अपॉन 5x 7 अपॉन 15. ये हो गई बात, ठीक है. अब इसमें मुझे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ए बी सी की वैल्यू. अभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर मैं इक्वल में जीरो लगा लूं जीरोस फाइंड करने के लिए, तो अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. तो अभी मैं यहां जीरो हटा देता हूं, अभी आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलिएगा. अब मैं अगर आपसे पूछूं, बेटा इसमें एबीसी की वैल्यू क्या है बताइए, तो बड़ा सिंपल सा आपका आंसर आएगा, सर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए होता है ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 5. इसमें बताइए, तो इसमें आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है ए, यानी कि 1. अब एक्स वाला टर्म बेटा इसमें है ही नहीं, तो जो टर्म है ही नहीं उसको हम यहां पे 0x लिख सकते हैं ना प्लस में. तो जो टर्म इसमें एब्सेंट होगा उसका कोफिशियंट क्या होगा, 0 होगा. और सी की वैल्यू क्या है यहां पर, 7 है. अब जैसे ये इक्वेशन रही, इसमें ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए होता है. एक्स का कोफिशियंट कौन होता है, बी, तो बेटा बी की वैल्यू आ गई 2. उसके बाद जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो यहां है ही नहीं, यानी कि सी की वैल्यू हो गई 0. तो ये चीजें जब तक आपको फाइंड करनी नहीं आएंगी तब तक आप प्रॉब्लम में रहेंगे. अब ये रहा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0. अब अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं एबीसी की वैल्यू बताइए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, आप कहेंगे सर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2/5 है और सी की वैल्यू 7/15 है. हाँ ठीक है, बट इससे आपका रिलेशन वेरीफाई नहीं हो पाएगा. कुछ क्वेश्चंस में अगर आप आरडी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पे वो एक के लगा देते हैं. अब ये के क्या है, ठीक है. तो आपको करना ये है, इस टाइप की जब भी इक्वेशन आएगी फ्रैक्शन में और आपको एबीसी फाइंड करना है, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में अभी ना, तो आप इसको इक्वेशन फॉर्म में पहले लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर 2/5x, क्योंकि हमें फाइंड करना है जीरोज और कोफिशियंट का रिलेशन. तो जीरोज बनाने के लिए आपको इसको किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा, जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा. इसके नीचे 1, इसके नीचे 5, इसके नीचे 15, एलसीएम आ गया 15. तो ये हो गया 15x स्क्वायर, ये हो गया आपका 5 3 15 या 3 2 6x, 15 1 15, यानी कि 7 का इक्वल में 0. 15 की मल्टीप्लाई 0 से हो गई. मैंने क्या बोला था, k लगा देते हैं, जैसे अगर ये पॉलिनोमियल होता तो हम 1/15 का एलसीएम ले लेते हैं.
ठीक है, 1 बाई 15 एलसीएम हो जाता और ये हो जाता 15x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, तो इसी को बोलते हैं k, और ये हो जाता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बट अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना हमें, तो जीरोस निकालने हैं, तो हम k वगैरह कुछ नहीं लेंगे, हम हर वैल्यू को डिफाइंड लेंगे, k वगैरह कुछ नहीं। अब इस 15 को उधर जीरो के मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे करके लिखूंगा 15x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 7। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब एबीसी की वैल्यू निकालिए, तो ए की वैल्यू आएगी 15 जो कि पहले आ रही थी 1, बी की वैल्यू आएगी 6 और सी की वैल्यू आएगी 7। तो अगर कुछ कोफिशियंट अगर किसकी फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आप उसको एलसीएम लेकर और इक्वल में जीरो लगाकर उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तब एबीसी की वैल्यू निकालिए। इससे आपका क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा और कोई कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा। तो इस तरीके से अब हम समझते हैं कि एबीसी की वैल्यू यानी कि कोफिशियंट की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें जीरोस निकालना दिखा रहा हूं, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा कि कोफिशिएंट से उसका कोई रिलेशन होता है कि नहीं होता है, फिर उसका हम देंगे वेरिफिकेशन आपको, चिंता की कोई बात नहीं। तो एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब मुझे इसके क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो, मतलब x की कौन सी वैल्यूज होंगी जो इसको जीरो बनाएंगी, तो हमने इसको जीरो के इक्वल लिख लिया। नाउ इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये था, जब इक्वल का साइन आ जाता है दैट इज कॉल्ड इक्वेशन, वो भी हमें बनानी है जीरो। तो आपने सीखा होगा अगर आपको याद हो, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो यहां पर मैं थोड़ा सा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, और मैं आपको ये बता चुका हूं जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, वो नंबर ऑफ जीरोस सेम भी हो सकते हैं, यानी कि रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल और इमेजिनरी, ये मैंने आपको ग्राफ में बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन कर दिया था। देखिए तो ये है 8 और इसका कोफिशिएंट है 1, तो आपको सबसे पहले ये करना होगा अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म की, आपको इसको सॉल्व करना है, तो पहला स्टेप ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का, यू हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ सी बाई ए, यानी कि आपको सी की मल्टीप्लाई ए से करनी है सबसे पहले। तो ये 8 है और साइन नहीं देखना है, तो 8 वंजा 8 8 बन गया, यानी कि सी की मल्टीप्लाई ए से हो गई। उसके बाद इस 8 के फैक्टर करने हैं आपको, और उन फैक्टर को आपस में प्लस करके या माइनस करके, या दोनों माइनस के रख लीजिए या दोनों प्लस के रख लीजिए, या एक प्लस का रख लीजिए और एक माइनस का कर लीजिए, उन दोनों को ये सारे काम करके यानी कि फंडामेंटल ऑपरेशन लगा के प्लस और माइनस के, आपको ये बीच वाला टर्म बनाना है यानी कि मिडिल टर्म यानी कि बी बनाना है। तो 8 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, हालांकि मुझे डायरेक्टली मालूम है बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए मैं आपको ये मेथड थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं, डायरेक्ट नहीं ले रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, फिर से समझाऊंगा। सबसे पहले सी की मल्टीप्लाई ए से करनी है, एक नंबर आपका क्रिएट हो जाएगा, उसके फैक्टर करने जितने भी पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं। अभी छोटा नंबर है, देखिए 1 × 8 हो सकता है, 2 × 4 = 8 हो सकता है, इसके अलावा कोई फैक्टर हो तो बताइए। तो यही फैक्टर हो सकते हैं, मतलब फैक्टर पेयर वाइज लेने, या तो ये दोनों ले लीजिए या ये दोनों ले लीजिए। इन दोनों फैक्टरों को आपस में प्लस माइनस कुछ भी रख लीजिए, 8 में 1 प्लस करोगे 9 बनेगा, 8 से 1 माइनस करोगे 7 बनेगा, बट हमको चाहिए माइनस का 2, 2 में 4 ऐड करोगे 6 बनेगा, और 4 से 2 माइनस करोगे तो 2 बनेगा, तो वो 2 हमें किसका चाहिए, माइनस का, यानी कि हम प्लस का रख लेते हैं 2 और 4 रख लेते हैं माइनस का। मतलब मैंने क्या कहा था, किसी से भी किसी को माइनस करा सकते हैं ये फैक्टर में, चाहे आप इसको प्लस कर लो चाहे इसको माइनस कर लो। तो 2 में से अगर 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, यानी कि इस वाले से हमारा काम हो रहा है। तो हम माइनस 2x को लिख रहे हैं माइनस का 4x, बिकॉज उसके मल्टीप्लाई में x था, और प्लस का 2x। इस बीच वाले टर्म को हमने दो टर्म में स्प्लिट कर दिया, किसको, बीच वाले टर्म को, इसलिए इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। बट ऐसे नहीं कि तुक्का मार दिया कि दो था, किसी ने कहा सर मैं इसको 6 - 4 लिख लूं, सर मैं इसको 10 - 8 लिख लूं, ऐसे नहीं चलेगा, बिकॉज फिर आपको कॉमन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आपको पहले सी की मल्टीप्लाई ऐसे करानी है, एक नंबर क्रिएट होगा, उसके फैक्टर कर लीजिए पेयर वाइज, एक ऐसा पेयर उठा लीजिए जिसको प्लस माइनस करके ये वाला बीच वाला टर्म बन जाए, तो उसको उसी फॉर्म में स्प्लिट कर दीजिए, माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब यहां से आपको एक कॉमन मिलेगा फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से x कॉमन दिखाई दे रहा है तो ये बचेगा x माइनस 4, यहां से 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो ये बचेगा x माइनस 4। ये बात पक्की है, ये दोनों फैक्टर जो इनके होंगे साथ में वो भी कॉमन होंगे। नाउ वी कैन टेक x माइनस 4 एज अ कॉमन फैक्टर, तो ये बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये बात मैं आपको बता चुका था, ये दो नंबर्स होंगे भाई, x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी हम नहीं जानते, बट एक ये है और इसकी मल्टीप्लाई इससे करने पे जीरो आ रहा है। जब आप दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर जीरो आता है, तो ये बात पक्की है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा,
मतलब दोनों में से कोई भी जीरो हो सकता है अगर इसका आंसर जीरो लाना है। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज हमको तो मालूम नहीं ना कौन सा जीरो रहा होगा, तो हम लिख देंगे आइदर, यानी कि ये इक्वेशन इसको जीरो बनाने पे भी सेटिस्फाई हो जाएगी और इसको जीरो बनाने पे भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आइदर एक्स माइनस फोर इक्वल टू भी जीरो, बच्चे रट लेते हैं कि ये दो फैक्टर बने, दोनों को जीरो के इक्वल करना है, क्यों करना है ये तो बताओ, और एक्स प्लस टू को भी जीरो के इक्वल करना है। तो यहां से आपको एक्स बराबर फोर मिल जाएगा और यहां से एक्स बराबर माइनस टू मिल जाएगा। तो इनको हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि ये इस पॉलिनोमियल के आपके जीरोज हो गए। मतलब अगर एक्स की जगह फोर पुट करा दें अब और x की जगह माइनस टू पुट करा दें तो ये इक्वेशन जीरो बन जाएगी, पक्की बात है। अब इसका कोई रिलेशन है क्या इसके कोफिशिएंट से, ये 1 माइनस टू और 8 से कोई रिलेशन है, तो इसका रिलेशन बिल्कुल है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो जीरोज आए ये x की वैल्यू, वो वैल्यू है x की। वैसे तो आप x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, लेकिन उस पर कोई जरूरी नहीं है कि जीरो बने। बट x की वो स्पेशल वैल्यू जिस पे ये इक्वेशन क्या बनती है, जीरो बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बिल्कुल करेक्ट। तो उसको हम क्या करते हैं ना मैथमेटिक्स में, जनरली दो लेटर से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया है मैथमेटिशियन ने। भाई एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। ये अल्फा और बीटा ग्रीक लैंग्वेज के पहले और दूसरे लेटर हैं, एक होता है अल्फा एक होता है बीटा फिर होता है गामा, इस तरीके से। तो अल्फा और बीटा ग्रीक लैंग्वेज के फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट है। तो अल्फा और बीटा से हम किसको डिनोट करेंगे, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक्स की वैल्यू एक 4 आई है इसको अल्फा मान लो, एक माइनस 2 आई है इसको बीटा मान लो, चाहे इसको अल्फा मान लो इसको बीटा मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अल्फा एंड बीटा फॉर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस एक सिंबल है, नोटेशन है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अल्फा और बीटा को ऐड करके देखिए, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ द जीरोस, इनका सम कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ये है 4 ये है माइनस 2, आंसर 2 आएगा। तो हम कह रहे हैं ऐसा ना करके आप ये कर लेते बस कोफिशियंट से, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू निकाल लेते, ये इतना सारा काम किया। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि इसके जो जीरोज होंगे उनका सम क्या आएगा, तो आपने पहले जीरोज निकाले फिर उनको ऐड किया, इतना लंबा काम हुआ। हम कह रहे हैं ऐसा ना करके आप माइनस बी अपॉन ए कर लेते, माइनस बी मतलब माइनस इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आइए देखते हैं, तो माइनस और बी की वैल्यू क्या है बच्चों इसमें बताओ, इसीलिए हमने ए बी सी की वैल्यू निकालनी सिखाई थी आपको। तो इसमें बी की वैल्यू निकालो बहुत जल्दी से, क्या आएगी जल्दी बोलिए। हाँ सर 2 आ रही है वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ना। ए की वैल्यू सर 1 है, आंसर क्या है 2। तो देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। बट ये तो अभी हमने आपको सिर्फ वेरीफाई कराया है, प्रूफ नहीं कराया कि ये आया कहां से, हाँ वेरीफाई कराया, प्रूफ भी कराएंगे अभी इसका। देखिए मजे की बात, इसको हटा देते हैं अभी। तो इसीलिए आपको समझ में आती है हमारी मैथमेटिक्स, बिकॉज हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके कराते हैं। अब एक हम निकालना चाह रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या इसका भी कोई रिलेशन हो सकता है ए बी सी से, हाँ तो इसका भी एक रिलेशन बताएंगे। अल्फा इंटू बीटा इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई थी बच्चे लोग, सर 4 आई थी। बीटा की वैल्यू क्या आई थी सर, माइनस का 2, दैट इज माइनस का 8। तो हमने कहा ऐसा ना करते आप सिर्फ सी अपॉन ए निकाल लेते तब भी यही आता, यानी कि आपसे क्या गया, आपसे ये बोला गया कि इसके जो जीरोज आएंगे उनका प्रोडक्ट बताओ। अब एक बच्चा क्या कर रहा है, पहले उसको फैक्टराइज कर रहा है, फिर उसके जीरोज निकाल रहा है, फिर मल्टीप्लाई कर रहा है। अब अगर जिस बच्चे को ये मालूम है तो वो क्या करेगा, सिर्फ c अपॉन a की वैल्यू निकालेगा और एक सेकंड में आंसर बताएगा। भाई c की वैल्यू चलो चेक करते हैं, माइनस का 8, a की वैल्यू 1, दैट इज माइनस का 8। अरे बाप रे ये तो हो गया जादू। तो यहां से सिर्फ कोई जादू नहीं है, यहां से ये पता चल गया कि हाँ भाई अल्फा बीटा यानी कि जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उसके कोफिशिएंट से कोई रिलेशन होता है, एक रिलेशन सम पर होता है और एक रिलेशन प्रोडक्ट पे होता है। फ्रॉम नाउ वी कैन से दैट द सम ऑफ द जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, क्योंकि बी एक्स का कोफिशियंट था, अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं जनरली बोल दे रहा हूं माइनस बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स सी अपॉन ए। तो ये तो फॉर्मूला तो बन गया, आपने नोट भी कर लिए, वेरीफाई भी कर लेंगे आप जीरोज कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। लेकिन ये आया कहां से, पता कैसे चला होगा, पहली बार किसने सोचा होगा ये। तो इसका एक छोटा सा प्रूफ है, बड़ा सिंपल सा है, मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे आराम से। तो ये था पूरा बेस, मैंने अब आपका बना दिया, यहां से बना है आपका बेस, ठीक है ना। वो रटन विद्या नहीं है, इतनी देर में तो आपकी एक एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती और मजे भी आते आपको कि हाँ भाई एक एक्सरसाइज सॉल्व हो गई, बट फिर उसके बेस पे आप क्वेश्चन नहीं बना पाते, ठीक है ना। देखिए एक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, करेक्ट है बात। और इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द या ऑफ दिस, ऐसा करके लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक
इक्वेशन बोल लो या पॉलिनोमियल बोल लो, कुछ भी बोल लो। यानी कि अब ध्यान से सुनिएगा, देयरफोर x बराबर एक वैल्यू अल्फा ही थी, कुछ भी आया, जैसे अभी आया था x बराबर 4 और 2 आया था, और एक x बराबर बीटा आ गया। अब अगर हम इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें बच्चा लोग, यानी कि ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा x माइनस अल्फा। अब कहोगे सर क्या पता, ये ऑलरेडी माइनस हो तो इधर तो प्लस में आएगा, आपको कैसे पता? तो वो प्लस माइनस खुद सेट कर लेगा, उससे कोई फर्क नहीं है। माइनस का होगा तो प्लस में आ जाएगा, अभी मैं प्लस का मान रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? तो x माइनस अल्फा और इसके इक्वल में क्या आ जाएगा सर, जीरो। x माइनस बीटा इक्वल में क्या आ जाएगा, जीरो। और हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, बिकॉज उसकी दो डिग्री होती है। तो एक जीरो ये हो गया और एक जीरो ये हो गया। उल्टा सॉल्यूशन याद है ना अभी आपको, अभी आपने क्या किया था, ये दोनों मल्टीप्लाई में आए थे। मैं ये बोल सकता हूं ना कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा अगर इसकी मल्टीप्लाई कराएं, यानी कि ये दोनों जीरोस के इक्वल हैं, तो ये भी तो जीरो ही आएगा भाई। ये भी जीरो के इक्वल है, ये भी जीरो के इक्वल है, इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कराऊं, जीरो के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? जी सर बिल्कुल आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब मैं इनकी मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं मल्टीप्लाई, x की x से, x स्क्वायर माइनस अल्फा की x से कराऊंगा माइनस अल्फा x, और माइनस बीटा की x से कराऊंगा माइनस बीटा x। तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा x। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। माइनस अल्फा की माइनस बीटा से कराऊंगा तो क्या बनेगा सर? प्लस का अल्फा बीटा बनेगा, इक्वल में क्या है, जीरो। ध्यान देना, अल्फा बीटा किसके जीरोस थे? इसके जीरोस थे, तो मैंने इसके जीरो से एक इक्वेशन बनाई, तो यही इक्वेशन बननी चाहिए वापस। बट इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है? ए। समझ रहे हैं बात को? इक्वेशन क्या थी, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अभी मैं कंपेयर नहीं कर सकता बच्चों, क्योंकि इसके एक्स के मल्टीप्लाई में है वन और इसके एक्स के मल्टीप्लाई में है ए। तो मैं दोनों साइड ए कॉमन ले रहा हूं, या मैं ये बोल दे रहा हूं मैंने ए से डिवाइड करा दिया, इस इक्वेशन को ए से डिवाइड करा दिया। तो जब मैंने इसको डिवाइड कराया ए से, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड कराया ए से तो ये बन गया बी अपॉन ए, और इसको ए से डिवाइड कराया क्या बन गया सी अपॉन ए। अब ठीक है, समझ आ रही है बात? तो इसके जीरोज मैंने माने थे अल्फा बीटा, और उस अल्फा बीटा से बनने वाली इक्वेशन क्या थी ये, और रियल इक्वेशन क्या थी ये। तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अब इसको कंपेयर कर लो आप, इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अगर आपको किसी ने ये पढ़ाया हो तो मुझे जरूर बताइएगा। सबने रटा था, सबने रटा था, यहां से आया ये। नाउ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, बिकॉज इसके जीरोज अल्फा बीटा थे, अल्फा बीटा से मैंने ये इक्वेशन बनाई है। तो अल्फा बीटा जिसके जीरोज होंगे वही इक्वेशन तो बनाएंगे वो, और वैसे इक्वेशन थी ये। तो ये हो गई कोफिशिएंट की फॉर्म में, और ये हो गई जीरोज की फॉर्म में। तो यहां से जब हमने कंपेयर किया बच्चों, देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन, हाँ सर समझ में आ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस का अल्फा प्लस बीटा। मैं क्या कर रहा हूं, कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूं, एक्स का कोफिशिएंट माइनस अल्फा प्लस बीटा, और इधर एक्स का कोफिशिएंट बी अपॉन ए। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी तो इक्वेशन इक्वल बनेगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस उधर चला गया, माइनस बी अपॉन ए। रटा नहीं रहा हूं, वेरीफाई कराया, पहले प्रैक्टिकल प्रूफ कराया, अब वेरीफाई कराया, आ रहा है ना मजा? ये है इसका प्रूफ, अल्फा इंटू बीटा है इसका कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और इसका कॉन्स्टेंट टर्म कौन है, सी अपॉन ए। तो इसी तरीके से अल्फा और बीटा किसके इक्वल आ गया, सी अपॉन ए के इक्वल आ गया। तो वो वेरिफिकेशन था, ये प्रूफ है। तो इस बात को आप अच्छे से नोट कर ले, समझ ले, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन बच्चों करते हैं, फिर उसके बाद हम दिखाएंगे। अच्छा एक बात और कि हमें रिलेशन तो वेरीफाई हो जाएगा, आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूं, वही बता रहा हूं। अब आपको जीरोस दे रखे होंगे कि कोई इक्वेशन है उसके जीरोस टू है और थ्री है, तो इक्वेशन क्या रही होगी, यानी कि इफ द जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल आर टू एंड थ्री फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, यानी कि इक्वेशन बनाना अगर आपको है पी एक्स इक्वल टू, तो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा बीटा। अब मान लो अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, तो वो इसलिए आर डी शर्मा वाले के लिखते हैं। मैं अभी आपको दिखा दूं, वो के का चक्कर, आपको कंफ्यूजन होगा अभी के का चक्कर क्या है, मैं पहले दिखा दे रहा हूं। मान लो अल्फा की वैल्यू जो आई वो 1 बाई टू आई, बीटा की वैल्यू भी 1 बाई टू आई, ऐसा मान लो, साथ में एक्स हो गया, और अल्फा बीटा की वैल्यू मतलब वही 1 बाई टू। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बाई टू कितना हो गया 1 हो गया, और 1 की मल्टीप्लाई एक्स से होगी तो ये हो गया एक्स, और 1 बाई फोर हो गया। तो अब इसमें आप 4 कॉमन ले लीजिए, 1 बाई फोर अगर आप इस तरीके से कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। तो वो आर डी शर्मा में या फिर और दूसरी जो बुक है वो यहाँ पर k लिख देते हैं, k 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, इस तरीके से आंसर देते हैं। k की वैल्यू क्या आई, 1 बाई फोर आई।
लेकिन मैं कहता हूं कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना, उसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करके जीरोस बनाए, तो आपको के लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, जो 1/4 आपका बना था, क्या इक्वेशन बनी थी, माइनस का 4x, 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, तो जो इक्वल में ये 1/4 बना था, आप इक्वल में जीरो लगाइए ना और इस 4 को उधर भेज दीजिए, खत्म हो जाएगा ये। तो वो के लगाने की आपको जरूरत नहीं है, मेरा पढ़ा हुआ कोई बच्चा के नहीं लगाएगा। तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा इनटू में, अगर ये फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो एलसीएम लेकर उस जीरो के इक्वल करके उसको खत्म कर दीजिएगा फ्रैक्शन को, ये मैं समझाना चाह रहा था आपको। तो ये हो गया पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला, पॉलिनोमियल दे रखा होगा जीरो के इक्वल करके जीरोस निकालोगे, रिलेशन ये रहा, इसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी, रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपको जीरोस दे रखे तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वेर अल्फा इंटू बीटा आर, या वेर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बट इसको दूसरी तरीके से भी लिखते हैं, क्या है वो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, सीधी सी बात है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो वो जब आप ये फॉर्मूला आर डी शर्मा जैसी बुक किताब में देखेंगे तो वो पता है क्या बोलेंगे कि सब इसके इंटू में के है और के कोई कांस्टेंट है। हाँ बिल्कुल सही है, जैसे अभी आया ना था 1/4 आया था, तो मैं बोलता हूँ ये के लेने की जरूरत क्या है, अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और इक्वल में जीरो रखेंगे तो ये के आएगा डिवाइड में जीरो के और वो हो जाएगा खत्म। तो भाई इतनी बड़ी बेवकूफ़ी और बच्चों को कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं करूँगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन करोगे तो और समझ जाओगे। तो ये था बच्चों जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसका रिलेशन किससे, उसके कोफिशिएंट से। तो ये आपको नोट करना है, ये इसका वेरिफिकेशन हो गया, मतलब प्रूफ हो गया, और ये पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला हो गया। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 में कुछ क्वेश्चन है बड़े आसान आसान, चलिए उनको कर लेते हैं और उनका रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने एक्सरसाइज 2.2 के टोटल 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन लिख लिए, बाकी एक क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। पहला क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी कराया था एग्जाम्पल के तौर पर, तो सेकेंड से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या था पहले ये तो बता दें, क्वेश्चन ये था कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई देयर रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो उस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है। तो पहले तो जीरोज तो निकालें, तो सेकेंड क्वेश्चन से शुरुआत होगी, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1, मतलब s की फॉर्म में जीरोज निकाल लें, जीरो के इक्वल रख लीजिए। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी तेज है, हालांकि इसके फैक्टर भी आप कर लीजिए लेकिन कोई इशू नहीं है, बट अगर आपकी ऑब्जर्वेशन तेज है तो ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर आपने अच्छे से होल स्क्वायर पढ़े, खोलिए इसको, 2s का स्क्वायर 4s स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 2ab 2 to the 4s हो जाएगा, तो साफ दिख रहा है। तो फैक्टर करेंगे आप तब भी ये आएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके आ रहे हैं ना रियल एंड इक्वल रूट्स, तो जब इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 एंड 1/2। तो इनमें से एक हो गया अल्फा 1/2 और एक हो गया आपका बीटा 1/2। तो जीरोज आ गए, रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे, पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, दैट इज 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1। फिर उसके बाद आप माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे अलग। कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और ऐसे दोनों की वैल्यू निकाल रहे हैं। आप कैसे लिख सकते हो पहले ही इक्वल, उन्होंने कहा वेरीफाई करो इक्वल आएगा, तो ये बेवकूफ़ी मत करना बिल्कुल भी, दोनों को अलग अलग निकालिए, इक्वल आएगा फिर बताइए यहाँ भी वेरीफाई हो रहा है। तो माइनस का भी ए बी सी की वैल्यू बताई दी थी निकालना, स्क्वायर वाले का कोफिशियंट ए, जिसकी डिग्री 1 है उसका कोफिशियंट बी, और जिसकी डिग्री 0 है उसका कोफिशियंट सी। तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस और बी की वैल्यू हो गई माइनस की 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ए की वैल्यू भी 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया बी मतलब 1। तो हेयर अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ रहा है माइनस बी अपॉन ए और इक्वल आ रहा है 1। अब लिखिए इक्वल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वेरीफाइड, ये हुआ वेरीफाइड, समझ रहे हैं बात को, ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। इसको हटा देते हैं, दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई करिए, अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1/2 इंटू 1/2, आंसर आ जाएगा 1/4, किसके इक्वल होता है सी अपॉन ए के इक्वल, निकालिए भाई सी अपॉन ए किधर गया, सी 1/4। तो हेयर अल्फा इंटू बीटा इक्वल आ रहा है सी अपॉन ए के, कितना आ रहा है ये भी बता दीजिए 1/4। तो ये हो गया भाई वेरीफाइड, छप के आंसर आ गया, बिल्कुल समझ गए, हाँ अब समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आप देख रहे हैं, ऐसा मत करिएगा कि इसको आपको फैक्टर करने है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दें, बोले सर ने तो यही सिखाया था, पहले देख लो ये फॉर्म में नहीं है लिखा हुआ,
पहले x स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का 7x आएगा, अब 3 आएगा। तो ये है, कहीं वो जल्दी से बोले इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, c की मल्टीप्लाई ऐसे करने को बोला था, ये तो b है। समझ गए ना बात को मैंने क्या बोला? हाँ सर, अब समझ में आ गया। यानी कि क्वेश्चन करने से पहले आंखें खोल लीजिएगा अपनी, जरा देख लीजिएगा क्वेश्चन किस फॉर्म में, पता लगा करे जा रहे हैं और आंसर ही नहीं आ रहा। अब करिए इसकी मल्टीप्लाई इससे, क्या सिखाया था, सी की मल्टीप्लाई इससे, 6 3 से 18 के फैक्टर करिए। अब मैं देखो, मैंने कहा था मैं डायरेक्ट वाला फैक्टर लूंगा जो मुझे ऑलरेडी मालूम है। 6 3 भी ले सकते थे, मैं तो 9 2 लूंगा, बिकॉज 9 से 2 जाएगा, 7 बचेगा प्लस का, तो मैं कर दूंगा प्लस का 2 और माइनस का 9। तो इतना दिमाग सबके अंदर है क्लास टेंथ में, डायरेक्ट बनाओ। तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x, ये हो गया ना मिडिल टर्म स्प्लिट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या कॉमन मिल रहा है बताइए, एक 3 कॉमन है, एक x कॉमन है, 3 2 जा 6 2x, 3 3 जा 9 2x माइनस 3, और ये ऑलरेडी 2x माइनस 3 है, तो इसके साथ कुछ कॉमन रहा? इसका कोई नहीं है, उसका गॉड है, उसका मैथमेटिक्स में उसका 1 है ना, मजे की बात है। जिसका कोई नहीं है मल्टीप्लाई में उसका 1 है, और जिसका प्लस में कोई नहीं है उसका प्लस में 0 है, ये दो नंबर हैं जो बहुत साथ देते हैं, ठीक है। एनीवेज, ये तो थी एक फनी बात, 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो एक फैक्टर हो गया 3x प्लस 1, दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल कराएंगे। मैं लिखने वाला नहीं हूँ कि आइदर दिस दिस दिस, x की वैल्यू आएगी एक 3/2 और एक x की वैल्यू आएगी माइनस का 1/3। समझ गए बात को? चलिए अब रिलेशन करते हैं वेरीफाई। पहला होगा अल्फा प्लस बीटा, पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए। एक है 3/2 प्लस दूसरी है माइनस का 1/3, एलसीएम ले लीजिए 6, 3 3 9 माइनस का 2 हो जाएगा, 7/6 बचेगा। किसके इक्वल होता है ये? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ए बी सी की वैल्यू तो आ ही चुकी है आपको निकालनी, तो माइनस का बी यानी कि माइनस और माइनस का 7 अपॉन ए, ए की वैल्यू 6, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 7/6। अब मैं यार लिखूं फिर, चलो लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 7/6 वेरीफाइड। तो प्रोडक्ट वाला कर लें, चलो कर लें। देखिए इक्वल तो आना ही आना है, अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है समझ लीजिए आपकी गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं जीरोज निकालने में, वेरीफाई तो होना ही होना है, समझ गए ना। चलो अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज माइनस का 1/2। किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए के इक्वल। C की वैल्यू बताओ, अरे पॉलिनोमियली मैंने मिटा दिया, तो C की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी बच्चों, क्वेश्चन मैंने कर दिया इरेज। तो C की वैल्यू क्या थी? C की वैल्यू थी इसमें माइनस का 3 और A की वैल्यू थी 6, ठीक है। तो 3 1 3 3 2 6 माइनस का माइनस हो गया वेरीफाई। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए इक्वल टू माइनस का 1/2, लिख दो भाई वेरीफाइड। तो ये हो गई बात, समझ में आ रही है ना? अच्छा ठीक है, जो आगे के हैं ना क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 5th, और एक था क्वेश्चन नंबर 6। अब कहोगे सर इसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी है ही नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मैं ये कराने वाला तो नहीं था। 4th वाले में 4u2, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड तभी लगेगा जब वो जनरल फॉर्म में होगी। देखो इसमें तो साफ दिख रहा है कौन कॉमन है, 4u कॉमन है, तो ये बचेगा u प्लस का 2। तो एक बार 4u को 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u इक्वल टू 0 आ जाएगा एक फैक्टर। एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। ए बी सी की वैल्यू निकालो जल्दी से, u स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू 4, फिर u वाला टर्म यानी कि b इक्वल टू 8, c वाला टर्म साहब है ही नहीं, इसमें 0 है। समझ आ गई? रिलेशन वेरीफाई करें, बिल्कुल करें। ये अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 माइनस का 2 दैट इज माइनस 2, किसके इक्वल है? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। सर माइनस का 8 अपॉन ए यानी कि 4, देखिए माइनस का 2 आ गया, वेरीफाई। चलो अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है माइनस 2, आंसर हो गया 0। क्या होता है? सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू है ही नहीं 0, ए की वैल्यू कुछ भी हो जाए यानी कि 4, आंसर अभी भी 0 आएगा। हो गया ना वेरीफाई? तो सर एक और बता दीजिए बस, इसको कैसे करिएगा? तो बच्चों ये भी बड़ा आसान है, इसमें क्या करना है ना, अब दो तरीके हैं इसमें, एक a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग सकती है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब कहेंगे सर a प्लस बी ए माइनस बी तब लगती है जब ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट सर हम जानते हैं 15 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किसने बोला कि 15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? अंडर रूट 15 का तो है ही ना, 15 अंडर रूट 15 का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? तो यहां से एक बात नोट कर लो, जो नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लाइक 3, लाइक 7, लाइक 19, और उसे आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, सीधे रूट लगाओ, स्क्वायर लिख दो, काम बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो आपको सीखनी होती हैं अपने गुरुजी से, अपने टीचर से। तो
तो सीख लो, फिर मौका मिलने वाला नहीं है आपको, समझ रहे हैं। टेंथ में सारे बेसिक क्लियर कर लो। एक तो हो गया ये तरीका, दूसरा एक और है बताएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया भाई, ए प्लस बी यानी कि टी प्लस रूट 15, टी माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो। दोनों को जीरो को इक्वल पुट करोगे, एक बार टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का रूट 15 और एक बार आ जाएगी प्लस का रूट 15। तो इतना काम तो यार हम वैसे भी कर लेते। कैसे, टी स्क्वायर माइनस 15 लिखे थे ना, तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 15। जब टी से स्क्वायर हटा तो इधर रूट लगा और इधर प्लस माइनस दोनों साइन लगते हैं, तो प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 तो ऐसे भी आ गया। हमने क्या कहा था, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ये नहीं सोचेंगे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, जो भी होगा एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी डिटेल में, ना इंसाफी नहीं होगी, पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू माइनस 15 है, बी की वैल्यू इसमें है नहीं, रिलेशन आप खुद वेरीफाई करोगे और सिक्स वाला क्वेश्चन आप इसमें खुद करोगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस के लिए किसी भी बुक से उठा के कर लो, बट इस पे इतने सीधे क्वेश्चन आते नहीं जितने आपको दिख रहे हैं, ये अल्फा और बीटा, इस पे बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, उसके लिए अलग से नेक्स्ट लेक्चर बनेगा। बट एनसीईआरटी में इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, उसमें हमको क्या करना है, जीरोस दे रखा है, जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा है, उसमें भी एक कन्फ्यूजन होता है वो बताएंगे, तो वो वाले क्वेश्चन और कर लीजिए हमारे हिसाब से, देन आज का लेक्चर आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये दे रखा है बच्चों और कन्फ्यूजन क्या है वो भी बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम। ये जो गिवन नंबर है इसको आपको ऐसे लेना है, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जैसे पहला क्वेश्चन ही हो गया, दो नंबर इस तरीके से दिए 1/4 - 1। गलती ये होगी कि आप इसको अल्फा मान लें और इसको बीटा मान लें। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, उसने कह रहा है ये जो नंबर है ये एज द सम एंड द प्रोडक्ट है, मतलब ये पूरा सम है और सम का मतलब क्या हो, पूरा अल्फा प्लस बीटा है और ये पूरा प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि पूरा अल्फा इंटू बीटा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, एनसीईआरटी ने ऐसे बनाए हैं, बट अगर हम कहीं और देखें, या मैंने सीबीएसई में क्वेश्चन आते भी है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हूज जीरोस आर, मान ली हूज जीरोस आर 1 एंड 2, तो ये दे रखा है अल्फा और ये दे रखा है बीटा, ये जीरोस की फॉर्म में, तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा बना लो जो कि 1 और 2 यानी कि 3 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा बना लो जो कि 1 इंटू 2 यानी कि 2 आएगा। तो भाई साहब पहले देख लेना कि ये पूरा नंबर सम और प्रोडक्ट है या अलग अलग जीरोस दे रखे हैं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है। तो हमने क्या कहा था कि भाई एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अगर नेट से निकाल लोगे तो ये बातें थोड़ी पता चल जाएंगी, सॉल्यूशन में सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही तो दे रखा होगा और क्या होगा, तो वो सिर्फ रटना है। कभी भी कॉपी मत करो, किसी का सोल्यूशन नहीं आ रहा है मत करो, पूछो डायरेक्टली हमसे। ठीक है, तो क्या हो सकता है कुछ नया आपको मिल जाए जो आप मिस कर देते अपनी लाइफ में, बट चीटिंग करोगे तो वो बात कभी भी आपको पता नहीं चल पाएगी जो आपको पता चल सकती थी। तो अभी हमको ये दे रखा है सम डायरेक्ट और डायरेक्ट दे रखा है प्रोडक्ट। पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला भी आपको बताया था, सिंस पी एक्स इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, आर डी शर्मा में लिखा होगा के और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बट अगर के आएगा भी तो हम उसको के का एलसीएम लेके और वो जीरो के इक्वल में भेज देंगे। तो हम तो डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये पूरी अल्फा प्लस, अच्छा इनटू में एक्स, ये पूरी अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू है माइनस का 1/4 x प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई माइनस 1, वो इनटू में क्या लगा देते के और इस इक्वेशन को ऐसे ही छोड़ देते, बट नो पहले 4 LCM ले लो, तो ये हो जाएगा 4 x² माइनस का x और प्लस माइनस माइनस 4 × 1 = 4 माइनस का 4। या तो आप इसको ऐसे लिखो 1/4 और ब्रैकेट में लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, सॉरी 4 x² था ना, हाँ 4 x² माइनस का x और माइनस का 4। अब ये हमें आ रहा है, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके इनटू में एक कांस्टेंट आ रहा है उसी को k बोलते हैं, बट अगर हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसके इक्वल में क्या लगाएंगे, क्योंकि हमने इसके जीरोज निकाले होंगे तो जीरो लगाएंगे और 4 जाएगा 0 के मल्टीप्लाई में, तो या तो ऐसे ही छोड़ दो, और अगर आप इक्वल में 0 लगा रहे हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 4 x² माइनस एक्स माइनस 4 = 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसका सम ऑफ द जीरोज ये रहा होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये रहा होगा, निकाल के देख लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो अभी मुझे इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराना था, बिकॉज ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि जो आपसे ना हो, ना ही इतने ये मुश्किल क्वेश्चन है। तो इसके सारे क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए, बाकी के 5 पार्ट बच रहे हैं, ये आप होमवर्क में करेंगे। बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके हायर लेवल के क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, कोई प्रॉब्लम आए डायरेक्टली पूछो और अपना ध्यान भी रखो साथ में। बाय बाय, टेक केयर।